أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। तमाम तारीफें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्मे कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल का के सीने का राज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़िक्राम, कसरत हैज़ का एक ऐसा इलाज, एक मार्के का इलाज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना जा रहा हूँ जो एक मामूली चीज़ है, और वो इलाज कैसे हुआ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़िक्राम, एक दफ़ा मैं किसी नहर के किनारे बाइक पर घूम रहा था, कोई जड़ी बूटियां देख रहा था, तो वहाँ पर एक मैंने शख्स देखा कि जो गलेल के साथ चमगादड़ों को निशाने लगा रहा है। तो मैं उसके पास रुक गया, उस देखने लगा, खामोश रहा, लेकिन खामोश होकर देखता रहा कि ये शख्स क्या कर रहा है। उसने इतना बड़ा थैला, जो कैंचे होते हैं, जो बच्चे बांटे जिनको कहते हैं, जो खेलते हैं, वो मैं एक थैले में डाले हुए थे, और साथ में एक गलेल पकड़ी हुई थी जिसे वो इस निशाने लगा रहा था। तो चमगादड़ चूँकि काफ़ी बुलंदी पर थे, दरख्तों के साथ लटके हुए थे, गालबन सफ़ेदे के दरख्त थे, तो काफ़ी ऊंचे थे, तो वो निशाना उसे लग नहीं रहा था। मैं पीछे पास खड़ा था, तो मैंने उनसे कहा, उस शख्स से कहा कि भाई क्या कर रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो। कहने लगा कि मुझे एक चमगादड़ चाहिए, तो बहुत ज़रूरी चाहिए, इसलिए मैं इनको गलेल के साथ मारा। तो मैंने कहा लाओ मुझे गलेल दो, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने भी काफ़ी ट्राई की पर कोई फ़ायदा ना हुआ, किसी चमगादड़ पर कोई असर ना हुआ, हमारी गलेल का और हमारा कोई असर ना हुआ। वो बादस्तूर वहाँ लटके हुए थे और आंखें बंद कर काफ़ी नींद पूरी कर रहे थे। तो जब हम थक हार कर बैठ गए, तो उस शख्स ने, क्योंकि वो साइकिल पर था, तो पीछे एक बक्स रखा हुआ था, एक थैला रखा हुआ था, मेरी तरह वो भी लंबी दाढ़ी उसने रखी हुई थी, और किसी बहुत महज़ब आदमी लग रहा था। उसने वो जो पीछे थैला रखा हुआ था साइकिल में से, उसमें से एक जूस निकाल कर मुझे दिया, और ख़ुद भी पीने लगा, मुझे भी कह रहा है ये पिए आप। तो जूस पीते पीते मैंने उससे पूछा कि ये चमगादड़ आपने क्या करना है, किस लिए चाहिए आपको। कहता है कि मेरी वाइफ को एक बहुत संगीन एक मर्ज़ है, बीमारी है, तो वो बहुत इलाज मुआवजा कराए हैं लेकिन कोई फाका नहीं हुआ। तो किसी ने ये हमें बताया है कि इस चमगादड़ को पकड़ कर, इसको मार कर, इसको आपने जला देना है। इसको जलाने के बाद इसकी जो खाक है, इसकी जो राख है, वो आपने बतौर दवा उसको इस्तेमाल करना है, यानी बरूनी तौर पर उसको इस्तेमाल करना है। दरअसल उसको मर्ज था कसरत हैज़ का, उस औरत को कसरत हैज़ का मर्ज था, तो जो कि काफ़ी पुराना हो चुका था, तो बहुत सारे उन्होंने इलाज किए लेकिन फाका ना हुआ।
किसी ने उनको बताया कि चमगादड़ का राख जो है वो आप औरत की फर्ज में रखाएं तो ये मसला हल हो जाएगा। उसने जब मुझे मैं बताया कि मैं हकीम हूँ अपना, मैंने विजिटिंग कार्ड उसको दिखाया, तो उसने मेरे साथ बात शेयर करना शुरू कर दी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो बहुत सारी इसके लिए आसान दुआएं हैं, तो ये मसला ठीक हो जाता है, इसको आपको चमगादड़ मारने की क्या ज़रूरत है। वो कहने लगा मुझे बताएं फिर कोई ऐसा इलाज है अगर आपके पास तो मुझे बताएं। मैंने कहा कि इलाज है मैं ज़रूर बताऊंगा, तो बिल्कुल मुफ्त है और बिल्कुल आसान है। वो शख्स की दिलचस्पी बढ़ गई, वो पूछने लगा। मैंने कहा कि आपने ना एक पाव गंदम लेनी है, गंदम को तवाहनी पर रख कर, जिस पर रोटी पकाते हैं उस तवे पर रख कर नीचे तेज़ आग जानी है और गंदम को जला लेना है। बिल्कुल जब गंदम राख हो जाए, बिल्कुल जल जाए उसकी राख जो है, वो आपने संभाल लेनी है और उसमें आपने जितनी राख का वज़न हो उतनी ही आपने निबात सफ़ेद यानी चीनी शामिल कर लेनी है, खांड जिसको बोलते हैं, और आपने उसकी खुराक जो है 6 माशा गालबन आधा तोला के लगभग आपने ताज़ा पानी के साथ उसको दे देनी है। हैज़ आने से 3-4 दिन पहले आपने ये दवा शुरू करनी है, और जब हैज़ आए तो इसको छोड़ देना है। पहले महीने इंशाल्लाह ताला आपको दूसरी दवा दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो भला शख्स था, उसने मेरे कहने पर ऐसा ही किया, क्योंकि मुफ्त का इलाज था और आसान भी था। तो 3-4 खुराक सिर्फ खुराकें खाने से ही उसकी जो कदीम बीमारी थी, पुरानी बीमारी थी, वो दूर हो गई। वो शख्स ने मुझे फ़ोन किया कि हकीम साहब, गालबन डस्के के करीब एक गांव है, नहर के बिल्कुल किनारे के ऊपर एक गांव है, सुहावियाँ सरंगियाँ। ये गालबन उसी गांव का रहने वाला था और वहीं पर इसकी मेरे साथ मुलाकात हुई। तो वो मैं वहाँ बाइक पर घूम फिर रहा था, जड़ी बूटियाँ देख रहा था। वैसे ही गालबन छुट्टी का दिन था, जुम्मे का दिन था, तो मैं जुम्मा पढ़ने के बाद वैसे ही बाइक लेकर बाहर निकल गया, और मेरी आदत है कि मैं घूमता फिरता रहता हूँ। तो उसने मुझे कॉल की कि कह रहा है हकीम साहब मुबारक हो, आपके बताए हुए इलाज से बिल्कुल शफा हो गई है, अब मर्ज़ बाकी बिल्कुल नहीं रहा, अगले महीने भी दवा खानी है कि नहीं खानी। मैंने कहा भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो खानी है, वरना नहीं खानी। अगर बीमारी बिल्कुल कंट्रोल रही तो आपने नहीं खानी, अगर कोई मसला वैसा नज़र आया जो पहले था तो फिर इसको यूज़ करना है आपने। लेकिन अल्लाह के फजल से उसको दोबारा दवा इस्तेमाल कराने की ज़रूरत ना पड़ी। और मुझे कहने लगा कि आप जब कभी दोबारा आएँ इधर तो मेरे साथ आपने ज़रूर मिलना है, ये फ़लाँ फ़लाँ मेरा नाम है, तो मैं फेरी का काम करता हूँ, यानी वो जो औरतों का सामान होता है मनियारी का, उसकी वो फेरी करता था। तो किसी से भी आप आकर हमारे गांव पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन फिर हम उसी इलाके में घूम फिर रहे थे, एक दोस्त था मेरे साथ, तो जड़ी बूटियों की तलाश में इधर उधर फिर रहे थे। तो वो मेरा दोस्त मुझे फरमाइश करने लगा, यार यहीं से कहीं से चाय मिल जाए ना तो सारी थकावट दूर हो जाए। वो अचानक शख्स जो है वो मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार एक यहाँ शख्स है, अगर वो घर मिल गया तो चलो चाय भी पियेंगे, चलो उससे इस बहाने से उससे मुलाकात भी हो जाएगी। तो अक्सर देहातों में
चाय की दुकानें बहुत कम हुआ करती हैं। तो उसके गांव के पास से हम 2-4 मिनट में हम वहां पहुंच गए और मैंने गांव जाकर किसी से पूछा कि ये फलां शख्स है, उसका नाम मैं भूल चुका था, लेकिन मैं उसको बताया कि वो मनियारी की फेरी करता है और इस तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसकी। तो उसने कहा कि हाँ है, अभी अभी यहाँ से गुज़र के गया है, अभी अभी ये 2 मिनट पहले यहाँ से वो गुज़र के गया है, काम गया हुआ था वापस वो अपने घर, सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ से गुज़र के गया है साइकिल पर। तो मैंने कहा उसका घर कहाँ है, कहने लगा कि उसने जगह बता दी कि ये फलां फलां जगह पर उसका घर है। तो हम गए, क्योंकि हम बाइक पर थे, हम गए तो वो अभी बाहर खड़ा था, अंदर नहीं गया था। तो वो मेरा चेहरा भूल चुका था, यानी उसको याद नहीं था, मैं उसके जाकर पास खड़ा हो गया तो उसने मुझे पहचाना नहीं। तो मैंने उसे सलाम दुआ उससे की, तो वैसे ही वो कहने लगा भाई क्या बात है, किसी को मिलना है आपने? मैंने कहा मैं आने आपसे मिलना है, आपसे मिलने आया। कह रहा है क्या मसला है, मुझसे क्यों मिलना है आपने? मैंने कहा वैसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैं जैसे गुजर रहा था, आपने एक दिन मुझे कॉल करके कहा था कि मुझे आप जब भी यहाँ आए तो मुझे ज़रूर मिलें, तो मैं आपको मिलने आया हूँ। वो कहता है भाई मैं आपको पहचानता ही नहीं, आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हकीम हूँ, वो चमगीदड़ वाला वाक्या मैंने याद कराया उसको, चमगादड़ में है जब आप गलेर के, वो हंसने लगा और कहने लगा अच्छा अच्छा आप हकीम साहब हैं, मुझे अब याद आ गया, हकीम साहब मैं माजरा ख्वाह हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, शायद धूप में फिर के आया हूँ तो इसलिए। मैं चलो कोई बात नहीं। तो कहने लगा ऐसे नहीं, आप अंदर आए, मैं चलो बैठते हैं कोई बात नहीं। उसने अपने वो जो ड्राइंग रूम होता है बैठक, उसका दरवाज़ा खोला, हम अंदर बैठ गए। चलो उसने पूछा कि क्या चलेगा, को ठंडा गर्म? मैंने कहा पहले सादा पानी फिर चाय ज़रूर पियेंगे। चलो उसने चाय तैयार करवा ली, बिस्किट वगैरह नाल उसने मंगवाए, हमने खाया पिया। तो उसने इस बात का इतराफ़ किया उस दिन खुलकर, कहने लगा कि साहब हमने 8 साल इस मर्ज़ का इलाज करवाया है, बड़े बड़े डॉक्टरों से, लेडी डॉक्टर ने बड़े बड़े पैसे लिए हमसे, 20-20 हज़ार फीस ली, ये उसके कौल हैं। यकीन जाने ये उसका मेरे सामने इतराफ़ था कि क्या लेडी डॉक्टर ने, बाज MBBS डॉक्टर जो है उन्होंने 20-20 हज़ार हमसे फीस ली है, बहुत सारी अंदरूनी दवाई खिलाई भी, उसमें फ्रिज में रखाई भी, लेकिन कोई फाका नहीं हुआ। लेकिन आपने एक आम चीज़ बताई है तो उसका कोई पैसा भी नहीं लिया, ना कोई पैसा लगा है, तो वो हमारा मर्ज जाता रहा है, तो हम कमाल है। नाज़रीन, ये ऐसे राज हैं जिनसे मैं पर्दा उठाता हूँ, ये ख़ास सन्यासियाना राज है, ये रमते जोगी घूमते साधु और लायक सन्यासियों के ये राज हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तो ये कसरत हैज का ठाठे मारने वाला समंदर को सिर्फ 2-4 खुराकों में सुखा देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। लाजवाब नुस्खा है, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा, अपने जहन में रखिएगा। ऐसे गुहर नयाब नाज़रीन हर इंसान नहीं बताता, लेकिन हम बड़ी मेहनत के साथ आपकी खिदमत में लेकर आते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफिज़।